हेलो एवरीवन, मैं रीता सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। इसके पहले हमने आपको बताया था कि हमारी इस समय पे जीएस की क्लासेस चल रही हैं। जीएस की क्लास में हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीट हो गया है, अभी हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ब्लड, ब्लड यानी कि रुधिर। ओके, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं ब्लड। ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिर। रुधिर ब्लड का जो रोल होता है हमारी बॉडी में, बहुत कई सारे रोल होते हैं ब्लड के, जैसे ऑक्सीजन का मेन जो काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, हमारे बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि कई तरह के काम करता है। और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, कई सारे ऑर्गन्स हैं, सबको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है कौन? ब्लड। और किस तरह से कनेक्ट करता है? सर्कुलेट होकर के। तो ब्लड जो होता है हमारा किसके अंतर्गत आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ये क्या होता है, ब्लड की स्टडी को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर का अध्ययन, रुधिर का अध्ययन, यानी कि ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी कहा जाता है ब्लड के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ब्लड को। ब्लड आता किसके अंतर्गत है? अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारी सेल होगी, सेल मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन जो होते हैं, जब कई सारे ऑर्गन मिल करके कोई स्पेसिफिक काम करते हैं तो क्या कहलाता है? वो पूरा एक सिस्टम कहलाता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, सर्कुलेशन में जो जो ऑर्गन हेल्प करेंगे, तो हम सभी को मिला करके क्या बोलेंगे? सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो ब्लड की स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड हमारा किसके अंतर्गत आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है ब्लड। ओके, ये तो हो गया परिसंचरण तंत्र। अब जो ब्लड होता है, एक्चुअल में ब्लड होता क्या है? ओके, तो ब्लड क्या होता है? एक फ्लूड होता है, लिक्विड होता है, ये तो सबको पता होगा। ब्लड क्या होता है? फ्लूड या लिक्विड, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, अब यहां पे फ्लूड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, अभी इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूं। जैसे फ्लूड हो गया यानी कि तरल, कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक। ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है? फ्लूड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। तो कोई ऐसे मुझे ब्लड क्या होता है, तो ब्लड क्या होता है? फ्लूड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक को क्या होता है? ब्लड होता है। तरल क्यों? क्योंकि ब्लड में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, पाया जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा पाई जाती है, ठीक। ये प्लाज्मा और संयोजी ऊतक, अब यहां पे ऊतक क्यों कहा गया है? ऊतक का क्या रोल है? क्योंकि यहां पे क्या होता है, कई सारी सेल्स होती है हमारे ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इसलिए क्या कहा जाता है इसे। और ऊतक की क्या डेफिनेशन है? जब कई सारी सेल्स एक साथ मिलती हैं तो क्या बनाती है? ऊतक।
और हमारे ब्लड में कौन कौन सी सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि तीन तरह की सेल है। तो ये सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू या ऊतक। इसलिए ब्लड को क्या कहा जाता है, और प्लाज्मा जो होता है ये फ्लूड होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा ब्लड क्या होता है, फ्लूड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक होता है हमारा ब्लड। अब इसमें हम देखते हैं आगे, ब्लड जो होता है, अब यहां पे देखना है एक और इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड जो होता है मेल में फीमेल के कंपैरिजन में ब्लड मेल में ज्यादा होता है। ठीक, मेल के कंपैरिजन में अगर मेल और फीमेल में कंपेयर किया जाए तो ब्लड क्या होता है, मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कितना होता है, कम होता है, मेल के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों, पहले हम देख लेते हैं इसकी क्वांटिटी कितना कितना पाया जाता है। तो जो मेल होते हैं, मेल में ब्लड की क्या क्वांटिटी होती है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। फीमेल में कितना पाया जाता है, 4 से 5 लीटर। अब यहां पे 5 से 6 लीटर पाया जा रहा है मेल में, फीमेल में क्या होता है, 4 से 5 लीटर पाया जा रहा है फीमेल में। तो अंतर क्यों आ रहा है, एक तो सबसे पहले तो ये दोनों चीज तो हो गई, लेकिन पहले एक ये चीज जान लेते हैं कि जो ब्लड की क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी में, तो हमारे जो बॉडी का टोटल जो वेट होता है हमारी बॉडी का, उसका कितना होता है, टोटल बॉडी वेट का 7% होता है। बॉडी वेट यानी कि हमारे शरीर के वजन का, शरीर के वजन का 7% होना चाहिए ब्लड। ठीक, ये तो हो गया कि मेल में 5 से 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है, बॉडी वेट का कितना होना चाहिए, 7% होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता क्यों है, मेल में ज्यादा फीमेल में कम क्यों होता है, इसका रीजन है क्योंकि हमारी जो ब्लड होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड को टिश्यू क्यों कहते हैं, टिश्यू कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, तीन तरह की सेल प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड को टिश्यू क्यों कहते हैं। ठीक, और ये सेल्स जो रहती है ब्लड में प्रेजेंट रहती है, ये क्या होती है, सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है, यानी कि प्लाज्मा में जो है ये एकदम से मिली हुई रहती है, यानी कि घुले हुए फॉर्म में रहती है, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं रहती है, लेकिन ये क्या रहती है, ब्लड में सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है। तो क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीन सेल प्रेजेंट होती है कहां पे, हमारे ब्लड में। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, आरबीसी की होती है हमारे ब्लड में। हमारा जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी जो सेल होती है, रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, और रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी ज्यादा है मतलब हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। तो इसमें अगर मेल में क्या होता है, मेल में आरबीसी जो सेल होती है ये ज्यादा होती है, और हीमोग्लोबिन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो भी मेल में ज्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। अगर फीमेल से कंपैरिजन किया जाए तो मेल में फीमेल के कंपैरिजन में क्या होता है, आरबीसी भी ज्यादा होती है, आरबीसी काउंट ज्यादा होता है, और जो परसेंटेज होता है हीमोग्लोबिन का जो वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए मेल में जो क्या रहता है, ब्लड की क्वांटिटी रहती है, यानी कि खून की जो मात्रा रहती है वो 5 से 6 लीटर पाई जाती है, यानी कि फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ब्लड ज्यादा पाया जाता है। ओके, और ये भी हो गया एक रीजन। दूसरा बॉडी वेट का, फीमेल्स जो होती है उनका बॉडी वेट जो रहता है मेल से कम होता है, दूसरा ये रीजन हो गया।
तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी होती है, मेल में 5 to 6 लीटर होती है, फीमेल जो होती है 4 to 5 लीटर होती है, और कितना होना चाहिए हमारा जो टोटल बॉडी वेट है, तो टोटल बॉडी वेट का 7% होना चाहिए हमारी बॉडी में ब्लड। अब क्या देखेंगे, अब हम देख लेते हैं ब्लड का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है। ब्लड का जो कलर होता है रेड होता है, सभी को पता है ब्लड का जो कलर होता है क्या होता है, रेड होता है। और जब बात आती है किसकी, कलर की, तो कलर के लिए हमेशा कोई ना कोई पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। जहां भी कलर की बात आएगी वहां पे क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कलर के लिए, चाहे फिर वो किसी का भी कलर हो। ओके, तो ब्लड के कलर के लिए जो रेड कलर होता है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के रेड कलर के लिए। ओके, अब इसमें ये जो इसमें हीम क्या है और ग्लोबिन क्या है, हीम एंड ग्लोबिन, ये जो हीम होता है ये क्या होता है, आयरन कंपाउंड होता है, आयरन कंपाउंड, आयरन को Fe से इंडिकेट करते हैं, लौह यौगिक, क्या होता है, लौह यौगिक होता है क्या, हीम। ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन होती है प्रोटीन, ग्लोबिन क्या होती है, ग्लोबिन होती है प्रोटीन। तो ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। रेड कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड कलर के लिए हीमोग्लोबिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना हुआ होता है, हीम और ग्लोबिन से मिलके बना होता है। और अगर पूछा जाए इसमें हीम क्या है, तो हीम क्या है यहाँ पे, ये लौह यौगिक है यानी कि आयरन कंपाउंड है। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्लियर, अब तो ये हो गया ब्लड का जो कलर होता है कलर। अब इसमें हमारी बॉडी में जो हमने ये तो देख लिया कि ब्लड का कलर कैसा है और क्वांटिटी मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है, ठीक। तो अब हमारी बॉडी में अगर ब्लड को मेजर करना है तो हम ब्लड को मेजर किससे करते हैं, हीमोसाइटोमीटर, किससे मेजर करते हैं, मापते हैं, हीमो साइटोमीटर। ब्लड को किससे मापा जाता है, रक्त का मापन किसके द्वारा किया जाता है ब्लड का मेजरमेंट, हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा हम ब्लड को क्या करते हैं, मापते हैं। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है कैसा होता है, यहाँ पे हम ह्यूमन ब्लड पढ़ रहे हैं ना, तो ह्यूमन ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। अगर हम देखें कंपेयर करें किसका, दो एक ये जो कॉकरोच है और ऑक्टोपस का भी पूछा जाता है, इनका ब्लड कैसा होता है, कॉकरोच ऑक्टोपस
ऑक्टोपस। तो ये जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? व्हाइट होता है। क्यों होता है व्हाइट? क्योंकि कॉकरोच में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? उस पिगमेंट को कहते हैं हीमोलिम। मैंने अभी पहले जो ब्लड का कलर बताया था रेड, तो मैंने अभी बताया था कि कहीं भी अगर कलर की बात होती है तो कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमेशा कहीं भी अगर कलर की बात आती है तो कलर के लिए हमेशा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे जो कॉकरोच है, कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? कॉकरोच का ब्लड होता है सफेद। सफेद क्यों होता है? हीमोलिम पिगमेंट के कारण, हीमोलिम, हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण कॉकरोच का जो ब्लड होता है सफेद होता है। अब यहाँ पे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है? ब्लू, नीला। नीला क्यों होता है? यहाँ भी कलर के लिए पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? हीमोसाइनिन। कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट। ओके, तो अगर पूछा जाए तो ह्यूमन ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। किस पिगमेंट के कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? व्हाइट होता है। किस पिगमेंट के कारण? हीमोलिम्फ के कारण। ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है? ब्लू होता है। किस पिगमेंट के कारण ब्लू होता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। जो ऑक्टोपस होता है उसका ब्लड कैसा होता है? ब्लू होता है। अब हम बात करेंगे किसकी? पीएच की। एक चीज मैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, ब्लड के कलर से ही रिलेटेड, पिगमेंट से ही। जो लोग बहुत ज्यादा ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो ये ब्लड होता है कैसा होता है? धीरे धीरे ग्रीन यानी कि हरा हो जाता है। ह्यूमंस में ही कैसा होता है? ग्रीन हो जाता है, यानी कि ग्रीनिश होने लगता है। क्यों? जैसे कि एक ड्रग होती है सल्फोनामाइड, 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 ये क्या होता है? एक ड्रग होता है या दवा होती है। किसकी? माइग्रेन की। इसका यूज क्यों, कहां पे किया जाता है? माइग्रेन के इलाज के लिए किया जाता है। सल्फोनामाइड ये जो मेडिसिन होती है इसका यूज किया जाता है माइग्रेन के ट्रीटमेंट में। माइग्रेन में इसमें हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, तो ये किसमें यूज किया जाता है? सल्फोनामाइड का माइग्रेन के इलाज में यूज किया जाता है। और जो लोग इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करने लगते हैं, यानी कि इसके लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, ड्रग के रूप में इसको लेने लगते हैं, तो क्या होता है? ये जो सल्फोनामाइड है, सल्फोनामाइड का जो सल्फर है, ठीक, ये क्या करता है? सल्फोनामाइड का जो सल्फर है ये ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है हमारा, ठीक, ये ब्लड के हीमोग्लोबिन से क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है। ठीक, ये क्या करता है? हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाता है। और क्या होता है ये सल्फोनामाइड का सल्फर? जब ये हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगा तो ब्लड का कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, ग्रीनिश होने लगता है। लेकिन ये कंडीशन बहुत रेयर होती है, और ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से ग्रीन हो जाएगा प्लांट जैसा। ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत धीरे 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 होती है। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि बस जोर से ज्यादा 8-10 दिन लिए और तुम हरे हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है? ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, और ये जब जरूरत से ज्यादा लेते हैं इस ड्रग को तब ऐसा होता है। हालांकि ये कंडीशन जो होती है रेयर होती है। अब हम बात करेंगे पीएच की, ब्लड का पीएच। सबसे पहले पीएच का फुल फॉर्म बता देती हूं मैं आपको। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. ओके, ब्लड का जो पीएच होता है हमारा कितना होता है? 7.4. ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है हमारे ब्लड का पीएच. अब इसमें पीएच मीटर तो देखा होगा सबने, पीएच मीटर पे क्या होता है 7, इधर क्या होता है कम, इधर क्या होता है ज्यादा. 7 से जब कम होगा तो क्या होगा? एसिडिक. एसिडिक को हिंदी में बोलेंगे अम्लीय, अम्लीय. जब ज्यादा होगा तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय, क्षारीय को बोलेंगे बेसिक. क्लियर? अब यहां पे जो 7 पे रहेगा वो क्या होगा? उदासीन. ओके, तो जब ब्लड का पीएच हमारे कितना है? 7.4 है, यानी कि कैसा है? बेसिक प्लस एल्कलाइन, यहां पे क्षारी और कैसा? एल्कलाइन है. ठीक, तो यहां पे एल्कलाइन का क्या मतलब है? एल्कलाइन का मतलब होता है जब कोई चीज ब्लड में, सॉरी वाटर में क्या होती है? डिजॉल्व हो जाती है. जो वाटर में डिजॉल्व होने का नेचर है, ये नेचर क्या कहलाता है? एल्कलाइन कहलाता है. वाटर में डिजॉल्व होने का जो नेचर है वो क्या कहलाता है? एल्कलाइन कहलाता है. यानी कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड कैसा होता है? ये बेसिक होता है और कैसा होता है? एल्कलाइन होता है. ओके, पानी में घुलनशील. ठीक, बेसिक होता है प्लस एल्कलाइन होता है हमारे ब्लड का जो नेचर होता है. पीएच इसका कितना होता है? 7.4 होता है हमारे ब्लड का पीएच. और यहां पे मैंने आपको बता दिया, अगर 7 से नीचे जाएगा तो एसिडिक होगा, अगर ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? बेसिक. और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, ब्लड का पीएच जो है 7.4 ही रहना चाहिए. 7.4 से कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. यानी कि एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और बेसिक भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें ही हार्मफुल होंगी. ओके, हार्मफुल क्यों होंगी? क्योंकि अगर पीएच 7 से कम हुआ तो ब्लड क्या होगा? हमारा पानी बनना शुरू हो जाएगा. अगर ज्यादा होगा तो उसमें क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, अगर बेसिक होगा तो. और एक और चीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी हमारे ब्लड को क्या करता है? ब्लड के पीएच को क्या करता है? अफेक्ट करता है. किस तरह से? अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा जो ब्लड का पीएच है, पीएच क्या होगा? ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पीएच डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा यानी कि कैसा हो जाएगा? एसिडिक. और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एसिडोसिस. एसिडोसिस, ठीक. जब हमारा ब्लड कैसा होगा? अम्लीय. कंसंट्रेशन बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो पीएच डिक्रीज होगा. पीएच डिक्रीज होगा मतलब 7 से नीचे जाएगा. नीचे जाएगा तो कंडीशन कैसी होगी? एसिडिक होगी. और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एसिडोसिस बोलते हैं. क्लियर? अब दूसरी कंडीशन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो कंसंट्रेशन है, सॉरी कंसंट्रेशन क्या है? डिक्रीज हो. अभी तो यहां पे क्या हो रहा था? ये इंक्रीज हो रहा था. अब यहां पे क्या होगा? डिक्रीज. अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ब्लड का पीएच क्या होगा? ये इंक्रीज होगा. पीएच इंक्रीज होगा यानी कि ब्लड हमारा क्या होगा? एल्कलाइन होगा. ओके, पीएच जब हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा यानी कि हमारा ब्लड कैसा होगा? एल्कलाइन होगा. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलेंगे एल्कनोसिस. क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? जब पीएच कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज होगा और ब्लड का पीएच जो हमारे होगा क्या होगा? इंक्रीज होगा. तब
तब हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एल्किनोसिस। क्या कहलाएगी ये कंडीशन? एल्किनोसिस। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लड का पीएच। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो एसिडिक होगा, एसिडिक कंडीशन को बोलेंगे एसिडोसिस। जब कंसेंट्रेशन CO2 का डिक्रीज होगा तो पीएच इंक्रीज होगा, पीएच इंक्रीज होगा तो फिर ब्लड कैसा हमारा हो जाएगा, एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन होगा तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, वो कंडीशन कहलाएगी एल्किलोसिस। क्लियर? अब हम देखते हैं ब्लड का फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन, रुधिर का निर्माण। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो हमारी बॉडी में, सभी को पता होगा हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। इनमें छोटी हड्डियां, बड़ी हड्डियां सभी को मिला करके कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक, तो इनमें जो बड़ी हड्डियां होती हैं, जिनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनमें क्या होता है, एक तरह की सेल्स पाई जाती है, इनको बोलते हैं बोन मैरो। बड़ी हड्डियों को क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक, ये जो बड़ी हड्डियां होती हैं इनको बोन मैरो बोला जाता है, हिंदी में अस्थि मज्जा। तो जनरली क्या होते हैं, जो हड्डियां जो होती है बीच में खोखली होती हैं, लेकिन जो अस्थि मज्जा होती है, बड़ी बोन्स जो होती है, ये क्या होती है, इनका जो बीच वाला पोर्शन होता है उसमें एक तरह की सेल प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल कहा जाता है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं। ये सेल क्या करती है, ये सेल डिवाइड होकर के दो तरह की सेल बनाएगी, एक लिम्फॉइड सेल, लिम्फॉइड सेल, लिम्फॉइड कोशिका, और क्या बनाएगी ये, माइलॉइड प्रोजिनेटर, माइलॉइड प्रोजिनेटर। ओके, माइलॉइड प्रोजिनेटर। ठीक, तो इसमें से पाई कहां जा रही है, बोन मैरो के बीच में पाई जाती है, जो कैविटी होती है उसमें बीच में पाई जाती है स्टेम सेल, इसे क्या बोलते हैं, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये सेल डिवाइड होगी, दो तरह की सेल्स बनाएगी हेमाटोपोएटिक सेल्स, कौन कौन सी, माइलॉइड प्रोजिनेटर और लिम्फॉइड प्रोजिनेटर, यानी कि लिम्फॉइड सेल बनाएगी। अब इसमें क्या होगा, ये जो माइलॉइड प्रोजिनेटर है, आगे चल के ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा, लिम्फॉइड प्रोजिनेटर सेल्स भी जो है ये आगे चल के ये सेल्स भी डिवाइड होगी। तो लिम्फॉइड सेल्स या लिम्फॉइड कोशिका जो है डिवाइड होकर के ये क्या करेंगी, ये दो तरह की सेल्स बनाएंगी, कौन कौन सी, बी सेल, बी कोशिका और टी सेल, टी सेल।
कोशिका। क्लियर। स्टेम सेल डिवाइड होके दो तरह की सेल बनाएगी, पहला होगा मायलॉइड प्रोजेनिटर, दूसरा होगा लिम्फॉइड कोशिका। लिम्फॉइड कोशिका आगे चल के डिवाइड होगी, क्या बनाएगी, दो तरह की सेल्स बनाएगी, दो तरह की सेल्स, बी सेल और टी सेल्स। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें बी सेल्स और टी सेल्स जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आगे और आगे पढ़ेंगे तो सारे सेल्स के फंक्शन भी बताए जाएंगे। यहाँ पे अभी आपको केवल इतना जानना है कि जो लिम्फॉइड सेल होती है वो डिवाइड होकर के दो सेल बनाती है, उनमें एक का नाम होता है बी सेल, दूसरे का नाम होता है टी सेल। ओके, अभी जो मायलॉइड प्रोजेनिटर होता है ये भी डिवाइड होगा, डिवाइड होकर ये क्या बनाएगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और क्या बनाएगा, एक तो हो गया प्लेटलेट्स, दूसरा एक और सेल बनाएंगे बैसोफिल, बैसोफिल न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल अगली क्या होगी, यूसिनोफिल, मोनोसाइट सेल। अब इनके सबके अलग अलग काम होते हैं। मोनोसाइट सेल, मोनोसाइट कोशिका, मोनोसाइट कोशिका और क्या बनाएगी, ये आरबीसी, आरबीसी जिसे क्या बोलते हैं हम, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेल्स। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कई तरह की सेल्स बन रही है, इसमें क्या है हमारी आरबीसी भी बन रही है। आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया कि जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में स्टेम सेल पाई जाती है, स्टेम सेल ही डिवाइड होके दो तरह की सेल बनाती है। ये सेल डिवाइड होकर लिम्फाइड सेल जो होती है दो तरह की सेल बनाती है, बी सेल टी सेल। मायलॉइड प्रोजेनिटर है, ये कई तरह की सेल्स बनाती है, प्लेटलेट्स भी बनाती है, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट सेल और आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट सेल्स बनाती है। ये जो पूरी प्रोसेस हुई हेमेटोपोटिक स्टेम सेल से, जो इतनी सारी जो सेल्स बन रही है पूरी, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी हिमेटोपोएसिस, हिमेटोपोएसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हिमेटोपोएसिस। तो कभी पूछा जाए कि हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन, यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। एक तो ये हो गया आपका कि हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। किस प्रोसेस के अंतर्गत होता है ब्लड का फॉर्मेशन, तो कौन सी प्रोसेस है, हिमेटोपोएसिस की प्रोसेस। किसके, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, हिमेटोपोएसिस की प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है, किसका, आरबीसी का या इरिथ्रोसाइट सेल्स का। फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, और जो प्रोसेस होती है कौन सी कहलाती है, हिमेटोपोएसिस। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। वो स्टेम सेल ही डिवाइड होकर के कई तरह की सेल्स बनाती है, जिसमें कि हमारी ये इरिथ्रोसाइट सेल्स भी होती है, यानी कि हमारी आरबीसी और प्लेटलेट्स भी होती हैं। तो पूरी प्रोसेस कहलाएगी हिमेटोपोएसिस, और ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है,
स्टेम सेल में हो रही है, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल में, और कहाँ पे हो रही है, बोन मैरो में हो रही है, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि हमारे जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। यहां से ये क्लियर हो गया, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है ब्लड का फॉर्मेशन। ये कंप्लीट। अब एक और चीज, ये जो बोन मैरो होती है ये भी दो तरह की होती है, रेड मैरो एंड येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। लाल अस्थि मज्जा, हाँ, पीली अस्थि मज्जा। अब यहां पे बोन मैरो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। अब हम क्या देखेंगे, बोन मैरो में जो होती है रेड मैरो और येलो बोन मैरो होती है। तो जो रेड मैरो होती है इसका काम क्या होता है, ये जो येलो मैरो होती है, बोन मैरो होती है, इसका क्या काम होता है, ये जो रेड बोन मैरो होती है हमारी, इसका काम होता है WBC RBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करना। इसका क्या काम होता है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करना होता है। किसका काम, रेड मैरो का काम होता है। येलो बोन मैरो का काम क्या होता है, इसका काम होता है बोन का फॉर्मेशन करना, कार्टिलेज, उपास्थि जिसे वो कहते हैं, कार्टिलेज का, और किसका, फैट, फैट का फॉर्मेशन करना। ओके तो ये क्या हो गया, रेड मैरो क्या क्या बनाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाती है। जो येलो बोन मैरो है ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी बोन बनाएगी, कार्टिलेज बनाएगी और फैट बनाएगी। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो बोन मैरो होती है ये हमारे दो तरह की होती है, इनके काम भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो रेड होगी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेगी, जो येलो वाली होगी इसका बोन का, कार्टिलेज का और फैट का फॉर्मेशन करेगी। अब हम क्या देखेंगे, कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड में कौन कौन से कॉम्पोनेंट पाए जाते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड को क्या होते हैं, रक्त का संगठन, इसे क्या कहा जाता है, रक्त का संगठन। अब देखो यहां पे कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, रक्त का संगठन, क्या क्या पाया जाता है हमारे ब्लड में। तो हमने अभी क्या बताया था, जो शुरू में अभी हमने डिस्कस किया था, तो हमने बताया था कि हमारे ब्लड में ब्लड कैसा है, हमारा फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा ब्लड क्या है, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, फ्लूड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक, इसे इकट्ठा ही लिखा जाता है तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक।
तो ब्लड का जो कंपोनेंट है, संगठन है, तो उसका जो तरल वाला भाग होगा वो क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा, तरल वाला भाग क्या होता है? प्लाज्मा। तो ब्लड में हमारे प्लाज्मा कितनी होती है? 55% होती है। प्लाज्मा कितनी होती है? 55% प्लाज्मा होती है। संयोजी ऊतक, ऊतक मैंने बताया कई तरह के सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ऊतक बनाती हैं, यानी कि आरबीसी। ये चीजें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। प्लेटलेट्स, क्लियर? ये क्या मिलकर बनाती है? सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही है। तो टिश्यू का क्या परसेंटेज होता है? 45%। ठीक, तो फ्लूड का परसेंटेज होता है 55%, और जो टिश्यू होता है यानी कि जो बाकी की जो सेल्स होती हैं हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कितने परसेंट होती हैं? 45% होती हैं। ये होता है हमारे ब्लड का कंपोनेंट। ओके, अब हम इसमें शुरू करेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? यहां से तो एक चीज सबको क्लियर हो गई होगी कि प्लाज्मा होता क्या है। ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा 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 क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। रुधिर का तरल भाग होता है क्या? प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा का कलर है वो कैसा होता है? प्लाज्मा में क्या क्या आते हैं? ठीक, हम देखिए कि लिक्विड पार्ट होता है, अब हम देखेंगे इसका क्या कलर। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? लाइट येलो, हल्का पीला, हल्का पीला होता है प्लाज्मा का रंग। अब यहां पे फिर से कलर की बात आ रही है, लाइट येलो। यहां पे क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? मैंने आपको ये चीज कई बार मैंने रिपीट की है कि जहां पे कलर की बात आएगी वहां पे हमेशा कोई ना कोई पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। कलर के लिए क्या होता है? कोई ना कोई पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो कलर है प्लाज्मा का ये कैसा होता है? ये लाइट येलो होता है, यानी कि किसके कारण होता है? कौन सा पिगमेंट, किसके, कौन से पिगमेंट के कारण? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन जो पिगमेंट होता है ये, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास जिन लोगों ने ली होगी तो अगर मैं उन्हें एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि मैंने उन्हें लीवर बताया था, लीवर में बताया था। लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक के, हमारे पेट या एब्डोमिन, जो उदर जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है, उसके राइट में पाया जाता है। लीवर का काम क्या होता है? ये बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। बाइल जूस में मैंने दो तरह के पिगमेंट बताए थे, एक जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था बिलीरुबिन, और जो एक येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो कौन सा था? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन पिगमेंट मैंने बताया था। तो ये जो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा का कलर हल्का पीला होता है, वो किस पिगमेंट के कारण होता है? बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। और पिगमेंट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। पूछा जाए बिलीरुबिन को कौन बनाता है, तो बिलीरुबिन को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के उदर के, कहाँ पे? हमारे पेट के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे यहां पे ये हो गया प्लाज्मा का कलर, क्यों होता है लाइट येलो कलर का, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके कलर के लिए। अब हम क्या देखेंगे? कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा, कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा। अभी तक हम क्या देख रहे थे? कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड,
ब्लड का संगठन देख रहे थे, अब हम क्या देखेंगे, कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का संगठन, ओके, अब यहां पे देखते हैं प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो प्लाज्मा होता है कैसा होता है, हमें बताया लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाटर यानी कि पानी। तो इसमें पानी कितने परसेंटेज, कितने प्रतिशत पानी प्रेजेंट होगा इसमें, इसका क्या परसेंटेज होगा, 90% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक। और क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज और मिनरल्स यानी कि खनिज। खनिज कौन कौन से, खनिज क्या होते हैं, खनिज जैसे कैल्शियम हो गया हमारा, और क्या हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती है, ये खनिज के अंतर्गत आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कितनी होती है, 1%। 90% जो होता है वाटर होता है, 1% क्या होता है, ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं। अब आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन होती है, इसमें 5 तरह की प्रोटीन पाई जाती है, हमारा जो प्लाज्मा होता है इसमें 5 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कौन कौन सी, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। और अगली प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ठीक, तो इसमें क्या है, हमारा जो प्लाज्मा है उसमें कितने तरह की प्रोटीन है, पहले तो सबसे कौन सी प्रेजेंट है, 5 तरह की प्रोटीन है, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कितनी है, सबसे पहले है, फिर आएगी प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन एंड देन ग्लोब्यूलिन, 5 हो गई ना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब इसमें, इसमें तो इनका तो परसेंटेज पता चल गया, ये कितना होता है, वाटर होता है 90% होता है, और ये मिनरल्स होते हैं वो 1% होते हैं। प्रोटीन जो होंगी ये कितनी परसेंट होंगी, ये जो प्रोटीन होती है पांचों वो टोटल 9%, 9%। जो प्रोटीन होती है कितने, इनका क्या परसेंटेज होता है, 9% होता है, 9% प्रोटीन पाई जाती है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये अभी हम आपको बताते हैं। जैसे ये जो प्रोटीन हो गई, तो इन प्रोटीन्स को, इन पांचों को मिला के क्या बोलते हैं, इन्हें क्लॉटिंग प्रोटीन कहा जाता है, क्लॉटिंग प्रोटीन यानी कि थक्का जमाने वाली प्रोटीन, थक्का जमाने वाली प्रोटीन, थक्का जमाने वाली प्रोटीन इन्हें कहा जाता है, इन पांचों को मिला करके क्लॉटिंग प्रोटीन कहा जाता है, थक्का जमाने वाली प्रोटीन कहा जाता है। इनका जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें परसेंटेज कितना होता है, 9% होता है,
9% पाई जाती है ये, और इनमें से एक प्रोटीन जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होती है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजन क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये हम अभी आपको बताएंगे, क्योंकि इसका जो रोल होता है मुख्य होता है, इसीलिए क्या कहलाता है? मुख्य प्रोटीन या मेन प्रोटीन कहा जाता है, मेन प्रोटीन या मेन क्लॉटिंग प्रोटीन। इसे क्यों कहा जाता है मेन क्लॉटिंग प्रोटीन यह भी बताते हैं आपको। क्योंकि अगर ये जो सेल्स हैं और ये प्लाज्मा का जो कंपोजिशन अभी हमने आपको बताया, तो इसमें से प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्लाज्मा में से अगर हम हटा दें किसको? फाइब्रिनोजन को। फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हम अगर हटा दें, इस प्रोटीन को हम हटा दें प्लाज्मा में से, तो क्या होगा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटाने पे क्या होगा? जो बचेगा हमारा वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। ठीक, केवल हम किसको हटा रहे हैं इसे कंपोनेंट में से? सिर्फ और सिर्फ फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा करके हम बाहर कर दे रहे हैं। ओके, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हम हटा के बाहर कर दिए, रिमूव कर दिए प्लाज्मा में से, रिमूव कर दिए। तो प्लाज्मा में से इसको हटाने में जो भाग बचेगा वो सीरम कहलाएगा, और ये जो सीरम है ये सीरम कभी भी क्लॉटिंग में रोल प्ले नहीं करता है। सीरम का क्लॉटिंग में सीरम का कोई रोल नहीं होता है। क्लॉटिंग में सबसे मेन रोल किसका होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन का होता है। रोल तो सभी प्ले करती हैं, इनको क्या कहा जाता है? क्लॉटिंग प्रोटीन कहा जाता है, लेकिन जो मुख्य रोल होता है वो किसका होता है? फाइब्रिनोजन का होता है। जो मुख्य रोल होता है ये किसका होता है? फाइब्रिनोजन का होता है। क्लियर? देखेंगे फंक्शन। तो यहां तक क्लियर हो गया कि प्लाज्मा का क्या क्या रोल होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी यहां पे बताया है कि जो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, लाइट येलो होता है, वो पिगमेंट के कारण होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? वो बिलीरुबिन पिगमेंट होता है। जब बिलीरुबिन पिगमेंट की जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जब बिलीरुबिन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तब हमें क्या होता है? जॉइंटिस हो जाता है, यानी कि पीलिया हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के कार्य, प्लाज्मा के कार्य। ठीक, अब हम देखेंगे प्लाज्मा के क्या क्या कार्य हैं। प्लाज्मा के क्या कार्य हैं? पहला तो क्या होता है, हमने बताया कि इसके कारण ब्लड क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड होता है यानी कि जो फ्लूड होता है, तरल नेचर जो होता है ब्लड का, वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण हो गया। दूसरा क्या हमने बताया? क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है? क्लॉटिंग में प्लाज्मा का रोल होता है, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती है कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, तो क्लॉटिंग यानी कि थक्का जमाने में सहायक। ठीक, अब अगला क्या है आएगा? अब यहां पे हमने आपको बताया था कि ब्लड का जो पीएच होता है हमेशा 7.4 रहना चाहिए, ना ही 7.4 से कम होना चाहिए, ना ही 7.4 से ज्यादा रहना चाहिए। 7.4 मतलब 7.4 ही रहना चाहिए। तो इसका एक और दूसरा काम क्या होगा? पीएच रेगुलेट करने में, पीएच रेगुलेट करने में, यानी कि पीएच का नियंत्रण। ठीक, पीएच को रेगुलेट करेगा यानी कि पीएच को नियंत्रित करेगा।
दूसरा इसमें बताया था कि ग्लूकोज और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा में, हमने आपको बताया था ना अभी कि ग्लूकोज और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, खनिज और ग्लूकोज, ये किसका काम करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे यानी कि ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेंगे, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य। तो ये हो गए हमारे प्लाज्मा के मुख्य काम, कौन कौन से, ब्लड का थक्का जमाने में यानी कि क्लॉटिंग में सहायक होती है, पीएच को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, पीएच के नियंत्रण में या पीएच को नियंत्रित करने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में यानी कि ऊर्जा प्रदान करने में कार्य करती है। तो ये हो गया हमारे प्लाज्मा का फंक्शन। तो आज हमने कितनी चीजें डिस्कस की, ब्लड क्या होता है, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं, ब्लड जो होता है हमारा उसे हम किससे मेजर करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से हम उसे मेजर करते हैं, मेल में ब्लड जाता है ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, ब्लड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है और एल्कलाइन होता है, पीएच इसका 7.4 होता है यानी कि 7.4 होता है ब्लड का पीएच। और हमने क्या देखा, इसके कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं, 55% प्लाज्मा होती है, 45% क्या होता है, 45% क्या होते हैं हमारे सेल्स जो होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। हमारा जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, आरबीसी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, आरबीसी जो होती है हमारी मिलियंस में होती है, सबसे ज्यादा आरबीसी होती है ये किसमें होती है, मिलियंस में होती है। और इसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो हमारे ब्लड का कलर है वो रेड क्यों होता है, वो पिगमेंट के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीम क्या होता है, हीम एक क्या होता है, आयरन कंपाउंड होता है, लौह यौगिक होता है, और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होती है। तो इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की। फिर प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर होता है, क्यों होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण होता है, बिलीरुबिन कहाँ बनता है, वो लीवर में बनता है। अब लीवर कहाँ होता है, लीवर हमारे स्टमक के पेट या उधर के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जो बिलीरुबिन बनाता है। जब बिलीरुबिन की क्वांटिटी हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाती है तब हमें क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, क्योंकि वो पीले कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली। अब प्लाज्मा जो होता है उसमें कितने तरह के, प्लाज्मा का कंपोनेंट जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो उसके कंपोनेंट में हमने देखा कि 90% वाटर होता है, 90% वाटर के अलावा 1% क्या होता है, ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं, 9% क्या होता है, 9% इसमें होता है सेल्स होती है, क्लॉटिंग सेल्स होती है, क्लॉटिंग सेल्स में भी जो मुख्य सेल होती है वो कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन होती है। फाइब्रिनोजन को अगर प्लाज्मा में से हटा दिया जाए तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो सीरम कहलाएगा। और सीरम भी इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने के लिए, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, सीरम जो होता है वो कभी भी क्लॉटिंग में रोल प्ले नहीं करता है, सीरम का क्लॉटिंग में कोई भी रोल नहीं होता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये हो गया प्लाज्मा का फंक्शन, प्लाज्मा का क्या क्या काम होता है, पीएच को रेगुलेट करने का, क्लॉटिंग में और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है पीएच का। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज को लाइक करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।